अनुष्का राय और आप देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सेंचुरी डेनिम सत्राटी जो कसरावत तहसील में नेशनल हाईवे पर स्थित है, सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन जो करीबन 3 साल से चल रहा है, जो कंपनी 17/10/2017 से आज तक दिनांक 19/12/2020 जो कंपनी अभी भी बंद है, जिसका फैसला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट का आदेश भी है कि कंपनी गेट खोले, लेकिन इसके बाद भी कोर्ट का फैसला नहीं मानने के बावजूद कंपनी का मालिक गेट बंद करके बैठा है, जिसके चलते कंपनी के मजदूर 3 साल से कंपनी गेट पर बैठे हैं। लेकिन आज दिनांक 19 तारीख तक कंपनी गेट पर SDM एवं कसरावत के तहसीलदार प्रशासन को साथ में लेकर कंपनी के मजदूरों के साथ अभद्र बर्ताव किया गया, जैसे कोई गुंडागर्दी कर रहा हो। ऐसा SDM साहब मजदूरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और आज जो बैनर SDM साहब ने फाड़े हैं उसमें महात्मा गांधी जी की एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की भी फोटो थी, जिन्हें SDM साहब ने ज़मीन पर फेंक दिया। जो हमारे महापुरुषों के साथ में ऐसा बर्ताव हो रहा है तो समझो हमारे देश के मजदूरों और किसानों के साथ कैसा बर्ताव होगा। जैसा कि आप देख रहे थे, सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन है, पिछले 3 साल से लगातार रोजगार के लिए चल रहा है। पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे हमने झंडा और बैनर इस गेट पे, कंपनी ने जब गेट बंद कर दिया था इसके ऊपर हम लोगों ने लगा रखा था, लेकिन आज प्रशासन के अधिकारी SDM साहब, तहसीलदार साहब आए और उन लोगों ने इस तरह से बैनर को निकाल के जो है एक तरफ रख दिया था। आप देख रहे हैं जिस तरह से बैनर निकला हुआ है, यहाँ पे गेट पे लगा के रखा था हमने। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो उन्होंने कैसे फेंकवाया आप देख सकते हैं। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का देख सकते हैं कि ये तहसीलदार जी कसरावत तहसीलदार के उन्होंने ऐसा करवाया है। देखो अब इसके साथ क्या करवाया होना चाहिए।